धनराज भाई जी आपके पास पहुंच चुके भाई क्रॉसिंग पे। मस्त दिख रहा है ना घर सर। सुबह फिर से चेक करो भाई यहाँ का नजारा, देखो भाई क्या मस्त से बोरा छाया हुआ है। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हो आप लोग, आशा करते हो सब बढ़िया होंगे। सो गाइस आज डे संडे और हर बार की तरह आपका भाई फिर से निकल चुका है एक नया प्लेस को टूर करने के लिए। कैसा नज़ारा चेक करो भाई, क्या मस्त वाला नज़ारा है। और गाइस देख सकते हैं ना, ये आपका टॉय ट्रेन का रेलवे ट्रैक जो कि जंगलों के बीच से और पहाड़ों के बीच से होके भाई सिलीगुड़ी से होके सीधा दार्जिलिंग की ओर जाता है। भाई गाइस फिलहाल यहाँ से जो करसंग है, करसंग लगभग आपका 30 किलोमीटर से। सो ना गाइस फिलहाल आपका भाई निकल चुके हैं भाई करसंग को टूर करने के लिए, देख सकते हैं। और भाई नज़ारा चेक करो भाई, क्या खूबसूरत नज़ारा भाई। और ना गाइस एक चीज़ बताना चाहता हूँ, गाइस राइड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हर संडे को मैं राइड करने निकल जाता हूँ। आपका भाई मोबाइल भी बदलने वाला है, तो अभी थोड़ा पैसा का थोड़ा क्राइसिस हो रहा है। जैसे यहाँ पर पैसा हो जाएगा भाई, उसके बाद तो भाई गोप्रो या तो आईफोन आपका भाई ले ही लेगा, ठीक है ना। तो भाई देखो यहाँ का जो सीन है भाई, रास्ता देखो भाई क्या खतरनाक सांप की तरह रास्ता है। और एक चीज़ है भाई, यहाँ पर जो बारिश के दिन पे बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल बारिश तो हो नहीं रहा है, दो दिन पहले ये जो रोड था टोटली क्लोज था क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रहा था, तो उसी वजह से क्लोज था। और यहाँ पे जो लैंड स्लाइडिंग का 90% ज़्यादा चांस होता है बारिश के। भाई लोग देखो भाई रेलवे ट्रैक पे कपड़ा वपड़ा सुखा रहा है भाई, सच्ची बता रहा भाई। ये मुझे टॉय ट्रेन देखने का बहुत ही शौक था। और भाई साहब देखो यहाँ पर रोड पर भाई झाड़ू मार रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है भाई। और एक चीज़ भाई, पहाड़ों का जो घर होता है ना भाई बहुत ही खूबसूरत होता है भाई। और यहाँ का भाई मोमो का बात बताऊँ तो भाई अलग ही लेवल का टेस्ट होता है। तो लेट्स सी आज ट्राई करेंगे मोमो, बहुत दिन से वैसे खाया नहीं मोमो, तो आज ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। जितने ही आप में चढ़ते जाओगे ना भाई उतने ही खूबसूरत खूबसूरत नज़र आप लोगों को देखने को मिलेगा भाई। तो भाई ब्लॉग पे बने रहना, क्योंकि भाई अगर थोड़ा भी स्किप किया ना भाई तो आप लोग ऐसे सीन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो भाई ब्लॉग पे कंटिन्यू देखते रहना, ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है आई नो। और अच्छा लगे ना भाई तो ब्लॉग को लाइक कर दो, लाइक कर लाइक। भाई मौसम देखो टोटली चेंज हो चुका भाई, थोड़ा पहले 5 मिनट पहले भाई इतना धूप दे रहा था, अभी देखो भाई ठंड कर दिया भाई। तो पहाड़ों का जो मौसम है ना भाई, आप मिस अंदाज़ा लगा नहीं सकते भाई कब ख़राब होगा कब सही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए अपना प्रोटेक्शन सही से लेकर आना पड़ता है। तो वैसे आज आपका भाई रेनकोट भी लेके आया हुआ है और मोबाइल के लिए मोबाइल का प्रोटेक्शन भी लेके आया हुआ है, क्योंकि अगला बार जब आए थे ना भाई मिरिक गए थे तो उस समय जो मेरा मोबाइल था ना ऑलमोस्ट भीग चुका था, और भीगने के कारण जो मेरा डिस्प्ले था ना डिस्प्ले टोटली ख़राब हो चुका था। तो जब से डिस्प्ले मैंने चेंज किया ना भाई, उस समय से कैमरा का जो क्वालिटी 30% खराब हो चुका है भाई। और भाई सीन चेक करो भाई यहाँ से, भाई फिलहाल तो हम लोग कोरसंग पहुँचे नहीं है यहाँ से और लगभग 19 किलोमीटर से, और देखो भाई सीन शुरू होना स्टार्ट हो चुका है भाई। और आप लोग इस रेलवे ट्रैक में जाएंगे ना भाई तो आप लोग को दार्जिलिंग मिल जाएगा भाई। तो इंशाल्लाह कभी हम लोग दार्जिलिंग भी घूमने आएंगे। ये आपका देखिए क्रिकेट बाजार, प्लेस का नाम भी क्रिकेट बाजार है भाई साहब। और भाई ये आपका ठिंगारा रेलवे स्टेशन देखो। देख सकते कोरसंग जाते वक्त हम लोग को एक छोटा सा मार्केट मिला देखने को, देखो भाई ये आपका लोकल मार्केट। भाई सच्ची बता रहा हूँ भाई, कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि भाई इतना ज़्यादा ट्रेवल करूँ। आज यूट्यूब की वजह से मैं इतना ज़्यादा प्लेस घूम पा रहा हूँ भाई और आप लोगों को सभी को दिखा पा रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। सच्ची बता रहा हूँ लाइफ में सोचा नहीं था भाई ऐसा ऐसा प्लेस मैं घूमूंगा भाई, मुझे घूमने का मौका मिलेगा। और आज जो ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना भाई, सच्ची बता रहा हूँ यूट्यूब की वजह से मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और थैंक्स टू माई यूट्यूब फैमिली जो कि इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। भाई देखो भाई बाप बाप होता है, देखो भाई देखा बच्चे को, देखो कितना कंधा में उठा के ले रहा है। सो ना गाइस फिलहाल यहाँ से लगभग और 15 किलोमीटर है करसंग, और भाई देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा है भाई बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। ये जो आपको रेलवे ट्रैक देखो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। साथ ही साथ भाई सिलीगुड़ी से हम लोग जब स्टार्ट किए थे ना भाई, सिलीगुड़ी से और अभी यहाँ तक पहुँच चुके भाई, ये रेलवे ट्रैक हम लोग का पीछा नहीं छोड़ रहा है। और भाई यहाँ सीन चेक करो भाई, क्या खूबसूरत सीन, बादल देखो भाई क्या मस्त वाला बादल छाया हुआ है भाई। बट आज जो नसीब इतना अच्छा है ना भाई, धूप निकला हुआ है, थैंक्स टू सूरज मामा जो कि इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, और थैंक्स टू माय ऑल व्यूअर्स जो कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए, ठीक है।
सुना गाइस, फाइनली हम लोग कोरसंग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लिखा हुआ देखो भाई, वेलकम टू कोरसंग गोरखालैंड। ये आपका कोरसंग का छोटा सा टाउन। फाइनली आपका भाई पहुंच चुके भाई कोरसंग पे और देखते हैं आपका कोरसंग का छोटा सा टाउन। ये आपका कोरसंग का नज़ारा है भाई और यहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छा व्यू पॉइंट भी है, तो व्यू पॉइंट भी जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रेलवे स्टेशन जाएंगे जो कि बहुत ही पुराना है। सुना गाइस, बहुत बहुत सॉरी भाई, फिलहाल देखो भाई टॉय ट्रेन भाई निकल रहा है भाई यहाँ से, तो थोड़ा जल्दी जाकर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। और एक टॉय ट्रेन आ रहा है भाई, चेक करो भाई साहब। ओहो, चला गया यार, चला गया टॉय ट्रेन। ये आपका कोरसंग रेलवे स्टेशन देख सकते हैं, क्या छोटा है ना। तो फिलहाल तो यहाँ पे टॉय ट्रेन था, अभी निकल चुका है भाई, हॉर्न सुना जा रहा है बस हमें, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे भाई। मेरे तो बहुत ही मन था भाई टॉय ट्रेन देखने के लिए, बट देख नहीं पाया क्योंकि ना गाइस यहाँ पे जो बाइक के पार्किंग करने का प्लेस ही नहीं मिल रहा था, तो मेरे बाइक को फिलहाल मैंने आगे पे पार्किंग कर दिया हुआ है। देखते हैं कुछ लोग अगर कुछ बोलेंगे तो भाई क्या ही बोलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई देख सकते हैं ना यहाँ पे भाई पार्किंग का प्लेस थोड़ा भी नहीं है, छोटा सा ये प्लेस है और छोटा सा प्लेस में इतना ज़्यादा क्राउड लगा हुआ है। और ये आपका छोटा सा एक आपका छोटा ही बोल सकते हैं इसको, खूब छोटा सा खूबसूरत सा एक टाउन है कोरसंग का, जो कि आपको सारा कुछ अवेलेबल मिल जाएगा, देख सकते हैं हरा सब्जी से लेके एवरीथिंग भाई। भाई ये हॉर्न को भाई अभी ही खराब होना था भाई। सुना गाइस, चेक करो भाई यहाँ से भाई सीन देखो भाई, ये आपका कोरसंग टाउन का सीन देखो भाई, क्या मस्त दिख रहा है ना घर सर। चेक करो भाई, ये आपका हनुमान जी की मूर्ति देखो भाई, कितना गैंड मीन्स कितना बड़ा सा बनाया हुआ है, देखो भाई चेक करो भाई साहब। और यहाँ पे लिखा हुआ है साइड पे आई लव कोरसंग। और फिर से चेक करो भाई, ये हनुमान जी की बड़ा सा मूर्ति देखो भाई, जो कि भाई वहाँ से भी दिखता है भाई ये वाला मूर्ति भाई, देखो भाई बहुत दूर से दिखता है, लगभग आपका 5 to 7 किलोमीटर दूर से भी दिखता है ये आपका मूर्ति, जो कि हनुमान जी का कितना बड़ा बनाया है देखो भाई। हनुमान जी को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं भाई, सिलीगुड़ी से हो गया, बहुत अदर स्टेट से भी लोग आते हैं भाई इस प्लेस को विजिट करने के लिए और हनुमान जी की बड़ा सा एक विशाल सा मूर्ति को देखने के लिए। सो भाई फिर से चेक करो भाई यहाँ का नज़ारा देखो भाई, क्या मस्त से कोहरा छाया हुआ है मिस आ रहा है भाई। और देखो भाई घर सब क्या मस्त लग रहा है ना। और यहाँ पे देखो भाई लोग आस्ते आस्ते भाई फुल्ली क्राउड हो रहा है भाई, इस साइड देख सकते हैं भाई पूरा फैमिली ट्रिप आ रहा है भाई, बस ये हनुमान जी को देखने के लिए। फाइनली देख सकते हैं ये टिफिन के अंदर में है मेरा खाना, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ जब भी ट्रैवल करने आता हूँ, तो भाई ये चीज़ सस्ता में पेट भरने वाला चीज़ मिल जाता है मुझे ओनली 40 रुपीज़ में, ठीक है ना। सुना गाइस, अभी आप लोगों के पास से नज़दीक से मिस बहुत ही नज़दीक से आप लोगों को टॉय ट्रेन दिखाऊंगा भाई। यहाँ तो कुछ नहीं होगा आंटी, नहीं नहीं इसको भी नहीं लगेगा, आप फोटो कर रहे हैं इसीलिए निकाल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत। और गाइस देख सकते हैं इतना नज़दीक से भाई टॉय ट्रेन आ रहा है भाई, देखो भाई ये रोड देखो, रोड के साइड बगल पे ये आपका टॉय ट्रेन का पटरी, और पटरी में देखो भाई टॉय ट्रेन फाइनली भाई। ये अभी जाएगा भाई सीधा सिलीगुड़ी,